दादा ने मेरे को लाया, मैं वापस भाग गया। दादा को बोला मेरे को बाथरूम जाने के, मेरे को बाथरूम की तरफ लगी गई, वहाँ पर बहुत करती थी। मैं वहाँ से भाग गई, अच्छा मेरे को फोन किया, मेरे को तो मालूम नहीं थी कहाँ है खड़ी है मैं। जो लड़के को वो मेरे से बात किया था वो बोली तो दो मुझे हम बोल कौन है मेरे वाइ चला मैं मेरे मर्जी में लेकिन दिन पहले मेरे वाइ जाके मेरे को डांस सामने से बहुत डांटा और बोला है कि तुम की वाइ हो ना लड़का नहीं है तुम्हारे मामा को मालूम है कि तुम नहीं नहीं मेरे वाइ से मैं पकड़ी को मिला के सामने नाच कर लेके फिर वो आपने 15 मिनट के बाद मेरी खाला आई और हमारे घर पे रात को 1 बजे आई थी। एक दिन एक रात रुका है और सुबह चला गया जमीन काम पे जाने से पहले जमीन नहीं थी। आधे घंटे के बाद घर से कुछ काम को बाहर गए, वहाँ पर मेरी खाला आई और एक गाड़ी से औरत थी तो नानी गंगू ने आई। बाद में मेरे को उसका नाम पता चला, वो आई मेरे को रिक्शा में लेके गई जबरदस्ती उठाई गई और जामिन की जितने जवाब को मैंने सब लेके गए। फिर जामिन ने मेरे को ढूंढ रहा था और मेरे काला को फोन किया, काला बोल रही मेरा पास है। जामिन वापस गए और मेरी काला बोल रही या फिर रुको तो जल दे। ऐसे बोलते बोलते मेरे खाला ने 1 हफ्ते रुका दी। फिर वहाँ से तो मेरे खाला को और नानी गंगू ने को पता हो गई कि हम सुबह घर पे चले जाने वाले हैं। ऊपर देखो, ऊपर देखो थोड़ा। हम घर पे चले जाने हैं तो नानी ने क्या प्लान बनाया हमको कुछ मालूम नहीं है। रात को 1:30 बजे मेरी खाला और खाला के साथ जो लड़की थी वो दोनों आपस में लड़ रही थी। तो जामिन ने उसको छुड़ाने को गया, जामिन को ऊपर उल्टा मारा, बहुत मारा और मेरे को पकड़ के रखी थी, बहुत मारा और पीछे 2 दिन चुगला लोग लगा दिया और मेरे को घर पर बंद करके रखी थी। यही सब सुने जामिन के साथ जा नहीं पाई और औलत मेरे को उसके बाद से बहुत मारा। और सुबह मेरे को नानी के पत्र की रूम थी फोन की किराया मेरे को मालूम नहीं था। वो पत्र की रूम में मेरे को लेके गए और रूम में 20-25 और लड़कियाँ थी। अच्छा आपको मुंबई में कहाँ पे बेचा गया था वो क्या बात है वो ज़रा बताइए तो। नहीं नहीं सोनू ने क्या किया सर मुंबई में मेरे को कहाँ बेचा था मेरे को मालूम नहीं है। वो लड़की वो औरत थी, वो औरत मुझे बहुत मानता था, बहुत बेचता था। मैं से काम करा था, मैं जो कर नहीं था मेरे को वही करा था। अरे माना करता था तो मेरे भाई लोगों को मारने को धमकी देता था। किसको मारने की धमकी? मेरा दो भाई है छोटे छोटे गाँव में, उनको मारने को धमकी देता था तो उनको जान से मार देगी। यही सब से मैं मजबूर थे, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ बोल नहीं पाई। और मेरे से जो 4 लड़के थे वो लोगों को बहुत मारता था और जबरदस्ती काम करा था। मुंबई में कितने दिन रहे? मुंबई में मैं 1 हफ्ते रही। फिर वहाँ से मेरी खाला आई, नानी ने भेजा है मेरी खाला को और तो सोनू दलाल उसका और एक दलाल थे। बोलन मेरे को रात को 4:30 बजे मेरे को स्टेशन पे लेके गए। वहाँ से फिर ये सोनू कौन है? सोनू नानी का दलाल है, नानी गंगुली का दलाल है सोनू। नानी कहाँ पे रहती है? सिग्नल पे रहती है। और तुम्हारे खाला का नाम क्या है? माजी का। वो कहाँ की है? बांग्लादेश की है।
नासिक कैसे आई वो? वही लेगल तरीके से आते हैं और चल से। आपके साथ कितने लड़कियां आई थी और बांग्लादेश से? मैं जब पार हुई थी तब मेरा जो 10-12 लड़कियां थी। एक साथ आए आप बांग्लादेश से? हाँ एक साथ आया, फिर बाद में मेरे को अकेले लाया गया नासिक में। क्या बताया कि आपको लाया था बांग्लादेश? बांग्लादेश से क्या बताया था? मेरी खाला बोली थी चलो मेरे घर पे घूमने को चलो, तो मेरे को तो मालूम नहीं है पे क्या होता नहीं आता। मैं सोचा इंडिया कैसी है, मैं घूमने के चक्कर में मैं आ गई उसके साथ। और बाकी लड़के कौन थी? तो सभी बांग्लादेश की थी, किधर किधर रहती थी मेरे को कुछ ही मालूम नहीं है। उनको भी आपके खाला ही लाए थे इधर? उतना मेरे को कुछ ही मालूम नहीं है, इतना मालूम है मेरी खाला यहाँ पे लाई थी और नानी उनको बोला था मेरे को लाने के लिए, बाद में मेरे को मालूम था